नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लेना है प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है सबसे पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों के ले लिए -ले लेकर आया हूं दैट इज पी ई एल पैराम इंटरप्राइजेस पैरामल इंटरप्राइजेज मैं आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ एंड ये मैंने आप लोगों को थर्सडे को भी स्टॉक रिकमेंड करा था आप जाके चेक कर सकते हैं आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर लेवल पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था ये देख सकते हैं ठीक है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जब ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ये वाली कैंडल पे हमने आप लोगों को बोला था यू हैव टू बाय एंड उसके बाद यहां पर तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला था बट आई एम स्टिल होल्डिंग और मैंने तो लोअर लेवल से भी होल्ड कर रखा है so सो मुझे यहां पर अभी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और इसने अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है देखिएगा फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकेंड रेजिस्टेंस एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट एंड क्लोज अब दिस लेवल ठीक है सो अभी राइट right नाउ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी फोर फ इट क्रॉस फिफ्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन देन यू कैन गो फॉर अ बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक अ टारगेट शुड बी फिफ्टीन हंड्रेड एंड एट्टी एंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड एट्टी फोर ओके नेक्स्ट स्टॉक इज आर आई आई एल रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी बाय करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आप देख सकते हैं कि यह एक रेंज के अंदर काम कर रहा था ठीक है उसका इसने ब्रेकआउट दिया एंड इट गेव अ रीटेस्ट रिटेस्ट जाने के बाद एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और हमें देखने को मिला है एंड इसने यहां पर लेट मी शो यू अगर आप इधर देखेंगे कि एक मूवमेंट आई उसके बाद हॉल्ट करा एंड हॉल्ट करने के बाद इट गेव अ ब्रेकआउट ठीक है सो राइट नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फोर वन टू पॉइंट एट फाइव यू कैन बाई अब फोर वन फोर ओके माई टारगेट शुड बी अराउंड फोर हंड्रेड एंड एटीन टू फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फॉर इंटर डे ओनली ओके माई नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस रिलायंस मैंने आप लोगों को शॉर्ट करने के लिए कल कहा था एंड uh, मैंने रिलायंस पे पुट ऑप्शन पे लॉस भी बुक करा है बट उसके बाद मैंने कॉल ऑप्शन भी ले लिया था जब मुझे ब्रेकआउट दिखा एंड उसके बाद मेरा थोड़ा सा लॉस पूरा लॉस रिकवर नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट मेरा लॉस रिकवर हो चुका है एंड आई एम स्टिल होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री ठीक है इसका मतलब ये नहीं होता कि जब सिनेरियो चेंज होता है तो आप लोग बाय नहीं कर सकते इफ द सिनेरियो गोज चेंज यू कैन बाय ठीक है फिफ्टीन मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ देखेगा यहां पर एट दिस प्राइस द मार्केट रिलायंस ने क्लोजिंग दी थी यहां पर एक शार्प अपमूव आई इस शार्प अपमूव के बाद इधर आया यहां तक मैंने सेल नहीं करा जब ये एक कैंडल बनी इस कैंडल पे मैंने सेल कर लिया बिकॉज आई फाउंड कि यहां पर एक रीटेस्ट हो रहा है और फिर अपमूव स्टार्ट हो रही है सो so, मुझे यहां पर इतना लॉस बुक करना पड़ा था अराउंड मुझे इस पर जो लॉसेज हुए हैं वो हैं टवेल्व uh, के 12 के ट्वेल्व थाउजेंड के आसपास का मुझे लॉस बुक करना पड़ा उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरे टाइम ट्रेडिंग नहीं करी जब ये वाली कैंडल ने इस जोन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी एट दिस कैंडल आई बॉट रिलायंस मैंने कैश में भी उठाया एंड मैंने ऑप्शन भी उठाए सो so, मैंने एट द मनी का ऑप्शन उठाया था uh, मैंने उठाया था बेसिकली कैश में तो uh, 1936 पे एंड मैंने 1900 का कॉल ऑप्शन उठाया है ठीक है राइट नाउ इट्स गिविंग मी अ वेरी गुड प्रॉफिट एंड मेरे जो टारगेट्स हैं वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं मैं जब भी मेरे को प्रॉफिट अचीव होगा फॉर एग्जाम्पल अगर कल ये 1964 तक जाता है सो आई विल एग्जिट सम लॉट्स एंड मैं कुछ होल्ड करूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो सेफ हो जाए जो मेरा लॉस बुक हुआ था वो कवर हो जाए ओके सो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली बाय बना सकते हैं अगर आप लोगों को कल मार्केट पे ये डिप मिलती है देखिए पूरी बात ध्यान से सुनेगा इसे ब्रेक कर करा जो कि पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ठीक तो है तो चांसेस आर हाई कि अगर ये दोबारा एक बार नीचे डिप देता है तो यहां से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है आप इन बिटवीन बाय कर सकते हो ठीक है अगर नीचे आता है तो मार्केट को देखिए रिलायंस को देखिएगा अगर एक रिवर्सल दिखता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय बट अगर इसी लेवल से ऊपर जा रहा होता है तब भी आप लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हो आपको आराम से टेन टू फिफ्टीन पॉइंट्स मिल सकते हैं ठीक है इसके साथ में आप लोगों तो को एक चीज और बताना चाहूंगा जो एक नया अपडेट आया थ्रू फायर्स आप यहां देख सकते हैं कि फायर्स ने डी मैट अकाउंट विद आउट पीओ ए स्टार्ट कर दिया पीओ ए का मतलब होता है पावर ऑफ अटर्नी पावर ऑफ अटर्नी बेसिकली वही हो गया जिस तरीके से कि आप थोड़ी सी अथॉरिटी अपने ब्रोकर को दे देते हैं कि वो आपके बिहाफ में शेयर को सेल कर सकता है अपनी होल्डिंग्स में से जो आपकी होल्डिंग्स होती है उसमें से वो सेल कर सकते हैं आपके शेयर्स उनके पास जो अथॉरिटी होती है कभी भी अगर आप लोग अकाउंट ओपन करवाते होंगे तो आपको पी ओ को साइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट दिया जाता होगा ठीक है तो वो वही होता है अब यहाँ पर फायर्स ने क्या अपडेट लेकर आया है कि वो लोग डी अकाउंट विदाउट पी को स्टार्ट कर रहे हैं जैसे आप लोग अब के पास ही अब पूरा, पूरा का पूरा कंट्रोल रहेगा यस yes. अब पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो सिर्फ आप लोगों के पास ही रहेगी एंड जो भी डीमाउट डी मैट अकाउंट में जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ है वो आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो अपनी मर्जी से, से सेल कर सकते हो ठीक है अब अगर आप लोगों ने नया अकाउंट ओपन करवाना है तो आप लोग विदाउट पी ओ भी ओपन अप कराउन करवा सकते हैं प्लस अगर आप लोग ओल्ड या एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं सो आप लोग मेल लिख सकते हैं फायर्स को एंड वो लोग आपका विदाउट पी ओ ए कर देंगे एंड वहां पर भी आप लोग बेनिफिट्स उठा सकते हैं ठीक है सो so, इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़िएगा और ये कैसे वर्क करता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप लोगों ने फायर्स में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है बट आप लोगों ने पी ओ ए को सबमिट नहीं करा हुआ पी ओ ए डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं करा हुआ सो so, अगर आप लोग कोई भी होल्डिंग्स में से अपने शेयर को एग्जिट करना चाहते हैं सो so, वहां पर आप लोगों को एक सी डी एस एल ऑथोराइजेशन का एक पॉपअप्स uh, आपके सामने प्रेजेंट होगा एंड जब आप उसमें येस क्लिक करेंगे सो आपके सामने एक सी का पेज ओपन हो जाएगा जैसे ही आप उसे सबमिट करेंगे यू हैव टू टाइप योर टी पिन आपको अपना टी पिन टाइप करना पड़ेगा बट अगर आपके पास टी पिन नहीं है आप सीधा फॉगेट टी पिन कर सकते हो एंड वहाँ पर आप न्यू टी पिन जनरेट कर सकते हो सो so, जब भी आप होल्डिंग से एग्जिट करोगे यू हैव टू टाइप दैट पिन और आपका शेयर्स ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा ठीक है बट ये इंटर डे में नहीं अवेलेबल है इंटर डे में नहीं होता इंटर डे में बिकॉज आपके पास आवर्स होते हैं सेल या बाय करने में सिर्फ टी का जो यूज होना है वो होना है सिर्फ होल्डिंग्स में आपका ओके okay? सो so, इस डॉक्यूमेंट को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा यू कैन चेक द डॉक्यूमेंट और अगर आप लोग नए हैं तो डेफिनेटली यू कैन ओपन एन अकाउंट इन फाइर्स एज वेल अ नेक्स्ट टॉक शुड बी एस्कॉर्ट्स स्कॉट्स भी मैंने आप लोगों को फ्राइडे uh, को बाय करने के लिए दिया था लेट मी शो यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम यस जब ये एक ब्रेकआउट आई थी ब्रेकआउट कैंडल पे आई टोल्ड यू टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड मैंने भी बताया था कि मैंने इस पे बाय पोजीशन बना रखी है सिर्फ कैश में सो so, वहां पर हम लोगों को एक अच्छा भी प्रॉफिट दिख रहा है बट अब ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे है एग्जैक्ट ये अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है अगर कल एक हल्का सा गैप अप दिखता है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है या फिर इसी प्राइस से ऊपर जाता है सो so डेफिनेटली ये अच्छे लेवल्स तक भी आ सकता है राइट नाउ इट्स क्लोज एट रुपीज थर्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन अगर ये थर्टीन हंड्रेड एंड एट्टी को ब्रेक करता है डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बाय एंड अच्छे टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं ओके और नेक्स्ट स्टॉक इज एच डी एफ सी बैंक डी एफ सी बैंक पर भी एक ब्रेकआउट आया एक सिमेट्रिकल चैनल का ब्रेकआउट आया एज यू कैन सी इट हेयर प्लस अगर आप देखेंगे एक वीशेप रिकवरी उसके बाद एक हॉल्ट एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है सो ये इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट बट अपने ब्रेकआउट लेवल से थोड़ा सा ऊपर ये जा चुका है सो लेट इट वेट इसे थोड़ा सा पॉज लेने दीजिए अभी इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था अराउंड 1450 पे एंड राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 1480 सो so, थोड़ा सा पॉज लेने दीजिए अगर कल ये थोड़ी सी डिप देता है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ बाय बट ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड मत करना बिकॉज मुझे लगता है मार्केट पे बिकॉज मैंने आप लोगों को कल बताया था 14,500 का लेवल आ गया था बट 14,600 650 तक मार्केट जा सकती है आज 600 भी आने वाला था लेट मी शो यू निफ्टी एज वेल ठीक है सो मार्केट एग्जैक्ट इस लेवल से आई डोंट थिंक कि ऊपर जाएगी सो यू हैव टू टेक सम स्मॉल क्वांटिटीज एज वेल ठीक है सिर्फ स्मॉल क्वांटिटीज में काम करना ज्यादा रिस्क में मत काम करिए बिकॉज आप देख सकते हैं आज का जो हाई था ऑलमोस्ट लेट मी शो यू यस आज का आप हाँ, हाई देख सकते हैं ऑलमोस्ट फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टीन था और हम लोगों ने आपको कल बोला था कि फोर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड भी चले जाएगा एक दो दिन के अंदर बट अब यहाँ पर आप लोगों को सेफ करना है ट्रेड बिकॉज मुझे लगता है कि शायद बजट में कुछ ऐसा आ सकता है जिसकी वजह से मार्केट फिर फॉल करना स्टार्ट कर सकती है बट डोंट वरी हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना है बैंक निफ्टी निफ्टी पे कोई भी पोजिशन होल्ड करके लेकर मत जाना ओके स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना मैं सजेस्ट करूंगा ऑप्शन को थोड़ा सा कम करिए फ्यूचर्स को इग्नोर करिए एंड कैश में थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करिए बस ये दस पंद्रह दिन ओके okay? सो so, मैं मिलता तो हूं आप लोगों से अगली वीडियो में मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ एंड डू चेक फाइव अकाउंट एज वेल